अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। 49 पेज के आरोप पत्र में बताया गया है कि ट्रंप ने ये डॉक्यूमेंट्स अपने बाथरूम, बॉलरूम, शावर की जगह पर ऑफिस स्टोर रूम और बेडरूम में छुपाए थे। प्रोसिक्यूट्स ने यह भी कहा कि FBI की जांच में बाधा डालने के लिए ट्रंप ने अपने वकीलों को फाइलें छिपाने नष्ट करने का आदेश दिया था। यह पहला मौका है जब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। जांच एजेंसी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ट्रंप के घर से बरामद डॉक्यूमेंट्स की कई तस्वीरें भी जारी की हैं। CNN के मुताबिक आरोप पत्र में बताया गया है कि पिछले साल FBI ने ट्रंप के पास से 337 सरकारी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। इनमें से 21 डॉक्यूमेंट्स पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। ये वो दस्तावेज होते हैं जिसमें सबसे संवेदनशील जानकारी रखी जाती है। सिर्फ समिति लोगों की पहुंच होती है। इसमें गुप्त सोर्स से मिली जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा 9 डॉक्यूमेंट्स पर सीक्रेट लिखा हुआ था। ये वो फाइल्स होती हैं जिसके लीक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुँचने की आशंका रहती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।